हेलो हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। कंटिन्यूटी टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। यस, हेलो जतिन। सो कंटिन्यूटी टॉपिक की शुरुआत अभी हम करेंगे। यस हेलो मोहम्मद अजाज। यस मोहम्मद। यस सर, कुछ बोलना चाहते हो? नो सर, बोल सकते हो वहां से? अब आपकी आवाज सुनाई देगी मुझे। ठीक है, गाइस अभी फिलहाल आप चैट ही करो, व्हाट्सएप टाइप ही करो। आप लोग टाइप कर रहे हो क्या? मुझे दे रहे हैं। चलो देखते बाद में। हाँ यार, आप अपना डाउट जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, क्योंकि जतिन आपने कुछ टाइप किया। हेलो हाय हेलो टाइप करो जतिन। हाय हेलो टाइप करो आप। ओके ओके वरुण, आप एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो गए हो। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। लेकिन आज मुझे किसी का चैट दिखाई नहीं दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हाँ नहीं दिखा, नितेश का तो दिखा। नितेश हाय बोल रहा है। यस नितेश, हेलो हेलो। नहीं मुझे आ रहे, चार्ट आ रहे। ठीक है वरुण, मैं आपका एंड्रॉइड पे आप शिफ्ट हो गए हो ना, चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिर। अगेन कल ऑलमोस्ट जिन जिन लोगों को एक्सेस नहीं था उनको एक्सेस दे दिया गया है नोट्स का, तो उनको नोट्स अभी कंटिन्यूटी की भी वहाँ मिलती रहेगी। और गाइज ये तो सिर्फ क्वेश्चन की नोट्स है ना, जो वर्कशीट हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास में उसकी नोट्स है। मैंने जो डिटेल नोट्स का भी आपको बोला ना हैंड रिटन, वो भी आपको मिलेगी। जो कमिटमेंट दी है वो भी आपको मिलेगी, धीरे धीरे उसमें ऐड होती रहेगी। जैसे मैट्रेसेस के कुछ ऐड हुए हैं ना, ऐसे थोड़ा सा भी इस पे काम चल रहा है, एक साथ में फिर सब अपलोड मैं करूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी, उसी इसमें अपलोड होगी जिस जिसको मैंने नोट्स का बराबर जहां जहां पे एक्सेस दिया है। सो चलो आई थिंक जितने लोग आज आने थे आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल टॉपिक जिसका नाम है गाइस कंटिन्यूटी। ठीक है, सो डिफरेंशिएबिलिटी ये हम बाद में देखेंगे ऑल टुगेदर एक नया टॉपिक के फॉर्म में। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी, और मैंने आपसे क्लियर कहा था कि इस टॉपिक को समझने के लिए लिमिट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग क्लास 11th में लिमिट्स पढ़े हो, अगर बहुत अच्छी से याद है तो शानदार है। नहीं भी पढ़े हो तो मैंने उसका भी ऑप्शन दिया था कि यूट्यूब पे 9-10 मेरे वीडियोज़ हैं लिमिट्स पर, सिर्फ लिमिट्स पर। 9 से कंटिन्यूटी पर एक भी नहीं मिलेगा, बट लिमिट्स पर 9 से 10 वीडियोज है मेरे यूट्यूब पे। सो वो देख लो, सबकी सब काम नहीं आने वाले। ऊपर ऊपरी भी आपने देखा एटलीस्ट प्रॉपर्टीज कैसे, क्या प्रॉपर्टीज है कैसे सॉल्व हुई, क्या प्रॉपर्टीज है कैसे सॉल्व हुई, उतना देख लो इनफ है। ठीक है, सो कंटिन्यूटी इज ऑल टूगेदर लिमिट्स ही है, लिमिट से ही निकला हुआ है, बस उसका एक रूल बदल जाने वाला है। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट एक नया इंट्रोड्यूस होने वाला है कि भाई किस लिमिट को हम कंटिन्यूटी बोलेंगे, किस लिमिट्स को हम बोलेंगे कि ये कंटिन्यूटी बरकरार कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, वो एक बस एक रूल बदलने वाला है, बाकी ये पूरी तरह अभी भी लिमिट्स ही टॉपिक है। तो ऐसा समझो आपने जो 11th में देखा था वो बेसिक लिमिट्स था, प्रॉपर्टी बेस्ड। ये जो कंटिन्यूटी टॉपिक है ये एडवांस लिमिट्स है। ठीक है, सो चलो कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए अब कंटिन्यूटी टॉपिक के इंट्रोडक्शन को हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों कंटिन्यूटी क्या है? बेसिकली कंटिन्यूटी क्या है सबको पता है, नाम में सब लिखा है इसके, कंटिन्यूटी के नाम में ही सब लिखा है। आज जिन जिन लोगों का चैट मुझे नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऐप अपडेट करना रहा है, सो जिन जिन लोगों का चैट हाय हेलो मुझे नहीं आ रहा है, किसी को कोई डाउट पूछना है तो सबने मुझे व्हाट्सएप पे तुरंत पूछ लेना। मेरा व्हाट्सएप मैंने इसलिए ऑन रखा है। सो जैसे वरुण ने पूछा है, हाँ यस जतिन, जतिन ने भी भेजा है यस, आपकी चैट भी नहीं आ रही है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये मेरे एंड से हो रहा है, मैंने अपडेट नहीं किया उस वजह से, तो आज वो हो जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप पे कोई भी डाउट है तो पूछो। ठीक है गाइज, सो लेट्स स्टार्ट नाउ।
कंटिन्यूटी क्या है, और बहुत अच्छे से समझना इस टॉपिक को। इतना बेस्ट, इजी, आराम से टॉपिक है ना, स्टूडेंट फ्रेंडली, प्योर मार्क दे जाएगा। बस थोड़ा सा आपको लिमिट का नॉलेज होना उसके लिए ज़रूरी है। जो जो बेसिक नॉलेज लगेगा मैं बताऊंगा, लेकिन वही अगर आप वो वीडियोस देख लो तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कंटिन्यूटी क्या है दोस्तों, नाम में ही सब लिखा है, कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी। मतलब अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये जो डायग्राम बनाई, ये मैंने कैसे बनाई, ये डायग्राम कैसे बनाई, कंटिन्यूटी में बनाई ना, बिना पेन उठाए। आप देख रहे हो मैंने जो यहाँ से स्टार्ट किया था, बिना पेन उठाए मैंने इस तरह की डायग्राम बना ली, यहाँ पे खत्म किया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी, कहाँ पर भी कंटिन्यूटी ब्रेक हुई नहीं। और वही अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ इस तरह से, तो इसको आप कंटिन्यूअस डायग्राम बोलोगे नहीं। कौन किसको जोड़ना है आपको ये भी नहीं पता। यहाँ तो आपको दिख रहा है कौन कैसे कैसे जुड़ते हुए बना है, यहाँ तो कौन किसको जोड़ना है आपको ये भी नहीं पता। कहीं के कहीं ये बन गई है, क्योंकि बीच बीच में क्या हुआ है, कंटिन्यूटी ब्रेक 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 ब्रेक, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस। और दोस्तों आपको ऐसे फंक्शन ढूंढना है जो कंटिन्यूअस है एट गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। जो एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन देगा उस वैल्यू पे वो कंटिन्यूअस है, मतलब इतना स्मूथली चल रहा है कि आप अगर उस फंक्शन का ग्राफ भी बनाने की कोशिश करोगे तो आपको पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना स्मूथली वो ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और वही फंक्शन अगर उस वैल्यू ऑफ एक्स पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो आपको क्या करना होगा, ग्राफ अगर आप बनाने की कोशिश भी करोगे तो जब वो वैल्यू आएगी एक्स की तो आपको पेन उठा देना पड़ेगा, तब आप नहीं उसको कंटिन्यूटी फॉर्म में लिख सकते हो, वापिस फिर आगे से और लिख सकते हो। बट उतना पीरियड के लिए जहाँ पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ है, उतने पीरियड के लिए आपको क्या पेन उठाना पड़ेगा, इसका मतलब कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, बराबर। अब चलो इस चीज को हम बहुत ही एक बढ़िया शानदार एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही मस्त एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, ध्यान देना। देखो ये एक गाँव है, सपोज ये एक गाँव है, छोटा सा कंसेप्ट है कंटिन्यूटी, बहुत छोटा, लेकिन आपको ये चीजें समझनी जरूरी है। ये सब टेक्निकली तो सभी बोल देते हैं, LHL, RHL, इक्वल, लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शन डिफाइंड, अरे बट ये होता क्या है वो समझो, ठीक है। देखो ये गांव है, ये गांव के सारे लोग, ठीक है, यहाँ पे एक सड़क है, यहाँ बोले यहाँ पे एक सड़क थी, एक जमाने में यहाँ पे एक सड़क थी, ठीक है, पर अचानक इतनी गंदगी सड़क पे हो गई, बारिश की वजह से पूरा कीचड़ जम गया, बड़े बड़े गड्ढे हो गए, मतलब इतने बड़े गड्ढे कि अगर कोई जाने की कोशिश करे तो सीधा अगर उसमें गिरे तो हमें रस्सी से उसको निकालना पड़े, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा गाँव है, बहुत अच्छी से मैं एग्जाम्पल को आपको समझा रहा हूँ, पहले पूरी तरह से एग्जाम्पल को समझो, फिर मैं इसका कंटिन्यूटी से क्या संबंध है, क्या लेना देना है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक गांव बसा है, ठीक है, टाउन ए सपोज, यहाँ पे दूसरा टाउन बसा है, टाउन बी। इन दोनों गांव के लोगों में इतना प्यार मोहब्बत, इतना अपनापन था, लेकिन कब तक, जब तक ये एक दूसरे के पास आ जा सकते थे, आ जा सकते थे। अब जैसे समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, ये रोड एकदम बकवास हो गया, ये वाला साथ ही में ये वाला, ठीक है, मतलब ये तो कंटिन्यूस रोड था, ये पहली बात तो बीच में से टूट गया। एक दिन बहुत तेज गांव के किसी दूसरे कोने से एक बहुत तेज बाढ़ आई, और बाढ़ के वजह से ये सड़क टूट गई, और अब यहाँ पे पानी बह रहा है। मतलब पहली बात तो आप देख रहे हो, अब इन दोनों सड़क में बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं है। अगर आप कैसे मर, मतलब बचते 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 गड्ढों से, यहाँ पे मैंने कहा ना काफी कीचड़ है, काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं, बच्चे तो गए अंदर तो निकालना मुश्किल है, तो आप पहली बात तो यहाँ ये भी क्रॉस नहीं कर सकते हो, अगर कर भी दिया तो इधर नहीं जा सकते हो, क्योंकि इधर पूरा पानी बह रहा है, बाढ़ आई है और इसने इस रास्ते को तोड़कर अब इतना पार्ट पूरा पानी से बह गया है, ठीक है। तो अब इन लोगों में अपनापन होने के बावजूद ये मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास ठीक से सड़क नहीं है, इनके पास अब सड़क नहीं है, ठीक है। सो अब क्या हुआ, एक दिन इन दोनों गांव के लोगों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, मुझे, ठीक है, कि सर आप कुछ तो करो, अब हम हार गए, हमने चाहे जितनी कोशिश कर ली, हम थकते थकते अगर यहाँ पहुंच भी जाते हैं, ये बंदा इधर से, ये बंदा इधर से,
तो ये यहाँ आ भी गया, फिर भी हम एक दूसरे को मिल नहीं पाते क्योंकि गांव में अब ये नदी आ चुकी है, इस सड़क पर ये नदी आ चुकी है, ठीक है, जो कि बहुत तेज बहाव वाली है, तो रिस्की इसमें स्विमिंग भी करना। सो कुछ तो करो सर। मैंने कहा ठीक है यार, एक काम करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं ले लेता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं ले लेता हूँ। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ मैं? एक पक्की सड़क बनाने का, एक प्रॉपर रोड, कॉन्क्रीट रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अब मैं ले रहा हूँ। मतलब ये जो गंदगी है इस रोड पर, ठीक है, गड्ढे 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 इस रोड पे गंदगी है, गड्ढे गड्ढे गड्ढे, यहाँ तो भाई रास्ता ही नहीं है, पानी आ चुका है, ये पूरा थ्रू आउट रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अब मैं लेता हूँ, मैंने उनको बोला। ठीक है, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले तो लिया, लेकिन अब ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, बराबर। फिर मैंने तीन लोगों को हायर किया, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। मैंने तीन लोगों को हायर किया। मिस्टर एक्स बहुत बढ़िया काम करता है रोड बनाने का, मिस्टर जेड भी बहुत ही बढ़िया काम करता है रोड बनाने का, और जो मिस्टर वाई है वो फ्लाई ओवर बनाएगा, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ तो नदी है, यहाँ तो रोड नहीं बन सकता, तो मुझे क्या बनाना होगा? फ्लाई ओवर। ठीक है, सो मिस्टर एक्स ने इतना शानदार रोड बना दिया, यहाँ पे काम कर रहा है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स बढ़िया से काम कर रहा है, मस्त उसने काम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, एक बढ़िया से रोड बना दिया। मिस्टर जेड ने भी एक बढ़िया सा रोड बनाया, ठीक है। अब बात है सिर्फ फ्लाईओवर की, सो मिस्टर वाई भी कम थोड़ी अपने काम में, उसने इतना शानदार एक फ्लाईओवर बना दिया जिससे लोग अब एक दूसरे को मिलने बहुत ही स्मूथली जा सके। मतलब क्या हुआ, ये जो लोग थे दो गांव वाले जो एक दूसरे को मिल नहीं पाते थे, क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिसकंटिन्यूटी आ गई थी, इनके बीच में क्या आ गया था, रास्ते खराब हो गई, बीच में नदी आ गई, अब एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया, मिस्टर एक्स ने ये पूरा काम किया यहां से लेकर यहां तक, मिस्टर वाई ने ये, जेड ने ये पूरा काम किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, सड़क बनवाने का, सारे गड्ढे वड्ढे कीचड़ वीचड़ सबको उसने निपटा कर एकदम मस्त कॉन्क्रीट सड़क बना दी, और मिस्टर जेड ने ये फ्लाईओवर बनाने का काम किया। ठीक है, सो अब देखो इतना शानदार और किस फॉर्म में रोड दिख रहा है आपको? कंटिन्यूटी फॉर्म में। मतलब यहाँ का बंदा अगर इस मार्केट से कुछ लेना चाहता है तो आराम से जा सकता है, ले सकता है। यहाँ का बंदा इस मार्केट से आने को कुछ चाहे लेना चाहता है, ले सकता है, अपने रिलेटिव को मिल सकता है। ठीक है, अब ये इतना स्मूथली क्यों हुआ? क्योंकि जो रोड बनी वो बहुत ही कंटिन्यूटी फॉर्म में बनी, कंटिन्यूटी फॉर्म में, मतलब यहां से यहां तक वो अब कोई भी आराम से जा सकता। मुझे बताओ ये रोड कितने कंडीशन में फेल हो सकती थी? ये रोड जो बन गई है, ये कंटिन्यूटी जो बन गई है रोड की, ये तीन लोगों की वजह से बनी है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ऑफकोर्स मेरे वजह से, बट चलो मैं साइड में, मैंने मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड को पूरा क्रेडिट दे दिया। ठीक है, सो आप मुझे बताओ कि ये रोड कब कब फेल हो सकती थी? पहली बात तो मैंने कहा है कि भाई मटेरियल भी आपने एक जैसा यूज करना है। मैंने मिस्टर एक्स को क्या बोला कि भाई तू जो मटेरियल यूज करेगा, सर इन बातों का इस टॉपिक से क्या लेना देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेना देना है, मैं सब चीजें रिलेट करूंगा, आप बस इस एग्जाम्पल में बने रहो। मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड को मैंने बोल दिया कि तू जो रोड बनवाने वाला है, और तू जो रोड बनवाने वाला है, तुम्हारा जो भी मटेरियल है वो सेम यूज करो, नहीं तो तू कंक्रीट यूज करेगा, तू मिट्टी यूज करेगा, फिर से क्या हो जाएगा, आगे चल के बारिश आएगी, ये कीचड़ बन जाएगा, फिर से गड्ढे वड्ढे हो जाएंगे, और आगे चल के ये चीज, मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, मुझे टेम्पररी नहीं चाहिए कि 2 महीने दोनों गाँव वाले एक दूसरे से मिले और बाद में 3 महीने बाद वापिस बारिश ने सब खेल खराब कर दिया, नहीं, अब मुझे परमानेंट सॉल्यूशन। तो तू भी कंक्रीट यूज कर, तू भी पक्का कंक्रीट यूज कर, बराबर। मैंने दोनों को इंस्ट्रक्शन दी थी, मिस्टर वाई को भी बोला था कि तू भी जो मटेरियल यूज करेगा बिंदास बढ़िया से यूज कर, कंक्रीट ही यूज कर, और बराबर इस तरह से यूज कर कि तेरा मिस्टर एक्स के बने हुए रोड से भी कॉन्टेक्ट हो और मिस्टर जेड के बने हुए रोड से भी कॉन्टेक्ट हो, क्योंकि ब्रिज अगर मैं बीच में से ही बना लेता तो फिर भी इतना थोड़ी जंप मार सकते हैं ना लोग, अगर बहुत बड़ा गैप है, अगर मैं ये देखो, अगर आप ठीक से देखो तो ब्रिज मैंने रोड से जोड़ा हुआ है, एक्स वाले रोड से जोड़ा है कहाँ तक, जेड तक, अगर मैं बीच में से तोड़ देता था और यहाँ से बनाता था सिर्फ यहाँ से, तो फिर ये चलता था नहीं, ये बंदा यहाँ तक तो आ सकता था, लेकिन ब्रिज का करेगा क्या, ब्रिज का करेगा क्या अगर वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैंने मिस्टर वाई को भी क्या इंस्ट्रक्शन दी थी कि तू भी मस्त कॉन्क्रीट का ब्रिज बना, लेकिन कैसे बना, मिस्टर एक्स से कनेक्ट होकर मिस्टर जेड तक कनेक्ट होना चाहिए, यानी मिस्टर एक्स ने जो रोड बनाया है इस रोड से लेकर इस रोड तक कनेक्ट होना चाहिए, तो वो कंटिन्यूटी हुई ना।
अगर मैं बीच में से तोड़ के बनाता तो कहाँ कंटिन्यूटी होती? अगर मैं ये एकदम फर्स्ट क्लास रोड बनाता, ये ब्रिज भी फर्स्ट क्लास बनाता, लेकिन इधर ऐसी कीचड़ गड्ढे वड्ढे रहने देता तो कहाँ कंटिन्यूटी थी? नहीं, मतलब ये कंटिन्यूटी जो आपको दिख रही है ये बहुत सही शानदार दिख रही है, लेकिन ये कंटिन्यूटी कब कब ब्रेक हो सकती थी मुझे बताओ, कब कब ब्रेक हो सकती थी? पहली केस कि मिस्टर वाई अगर रोड बना ही नहीं पाता, मतलब मिस्टर वाई ब्रिज नहीं बना सकता। रोड बनाना तो इजी है, बट ब्रिज बनाना थोड़ा टफ टास्क था, लेकिन मिस्टर वाई ने अपनी एक्सपर्टाइज यूज की और ब्रिज बना लिया। ठीक है, अगर मिस्टर वाई ये ब्रिज बना ही नहीं सकता था, एक एक चीज को मैं रिलेट करने वाला हूँ, सो ध्यान देना। मिस्टर वाई अगर फेल हो जाता था, फेल्स, ब्रिज बना नहीं सकता था, तो ये कंटिन्यूटी कभी नहीं मिलती थी आपको, बराबर। दूसरी बात, मिस्टर एक्स रोड बना तो लेता था, मिस्टर एक्स बना लेता था, बट मिस्टर जेड नहीं बना पाता था, और मिस्टर जेड तो बना लेता था बट मिस्टर एक्स नहीं बना पाता था। ठीक है, मतलब इसने बना लिया है ये फेल, इसने बना लिया है ये फेल, तो भी कंटिन्यूटी नहीं रहती थी ना। मतलब अगर ये ब्रिज ही नहीं बना पाता तो कंटिन्यूटी ब्रेक, पहली बात। दूसरी बात, ये रोड बना लेता था, वाई भी ब्रिज बना लेता था, लेकिन जेड नहीं बना पाया, या फिर जेड ने यहाँ तक रोड बना लिया, ब्रिज भी बन गई, बट एक्स रोड नहीं बना पाया। इन लोगों के जो कुछ जमीन आ रही थी बीच में, खेत वेत आ रहे थे, तो इन लोगों ने अपोज कर दिया, नहीं भाई तू दूसरा सोल्यूशन ढूंढ, हमारे खेत नहीं जाने चाहिए, क्योंकि रोड बनाने के चक्कर में शायद इन लोगों के खेत चले जा सकते थे, है ना। तो लोग रोड पे आ गए, नहीं, हम तो तेरे को रोड नहीं बना देंगे, तो दूसरा सोल्यूशन ढूंढ। तो ये भी हो सकता था ना कि इसने तो रोड बना लिया बट ये फेल हुआ, या वाइस वर्सा, इसने तो रोड बना लिया बट ये लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और नहीं रोड बनने दिया। दूसरी बात, एंड तीसरी बात जो अभी मैंने बोला कि मिस्टर एक्स ने तो रोड बना लिया, मिस्टर जेड ने भी रोड बना लिया, लेकिन मिस्टर वाई ने जो ब्रिज बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि वो ना एक्स को कनेक्ट कर रही है ना जेड को कनेक्ट कर रही है, वो ना एक्स को कनेक्ट कर रही है ना जेड को कनेक्ट कर रही है, उसने बीच में से एक ब्रिज बना ली, वो एक्स को भी कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो एक्स के इधर आके यही रुक गए, जेड वाले भी फिर से इधर आके यही रुक गए, लेकिन एक दूसरे को मिल नहीं पाए। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि एक्स एंड वाई एंड जेड का नो कनेक्शन। ठीक है, सो दोस्तों, अब इस एग्जाम्पल को मैं एक्चुअल साइंटिफिक लैंग्वेज पे उतारने वाला हूँ, ध्यान देना। मिस्टर एक्स ने जो रोड बनाया है ना, इसको मैं बोलता हूँ LHL, सब बता दो, LHL मतलब क्या, RHL मतलब क्या। मिस्टर जेड ने जो रोड बनाया उसको मैं बोलता हूँ RHL, और मिस्टर वाई ने जो रोड बनाया है, ब्रिज बनाया, उसको मैं बोलता हूँ F(X). LHL, RHL, F(X). ठीक है, अब सबसे पहले तो यार आप मुझे फटाफट बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ऐसे डाउट अभी यार आपका तो मेरे पास ये आ ही नहीं रहा है ना, प्रॉब्लम ये चल रहा है। ठीक है, आपका चैट नहीं आ रहा है, मेरा अपडेट करना रह गया है, कोई बात नहीं, सिर्फ नितेश का ही चैट आ रहा है आज, बाकी किसी का मैसेज ही नहीं आ रहा है मेरे तक, नितेश का बस दिखाई दे रहा है, नितेश इज द लकी चैंप। चलो कोई बात नहीं, हाँ वेरी वेल, चलो जतिन क्लियर है, ओके ओके, अजय क्लियर है, गुड वेरी गुड अजय। अजय बोल रहा है सर वो वीडियो कॉलिंग से एक दूसरे को मिल सकते थे, अरे भाई ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने जमाने की, तब तक स्मार्टफोन वगैरह कुछ भी इन्वेंट नहीं हुआ था, सादा लैंडलाइन फोन भी नहीं था, ये बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ अजय। ठीक है, बट नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है चलो, सो LHL, F(X) और RHL, ये तीन चीजें आपको अब मैंने बोल दिया, ये मिस्टर एक्स ने जो रोड बनाई है वो LHL है, मिस्टर वाई जेड ने जो रोड बनाई वो RHL है, और F(X) यानी मिस्टर वाई ने जो ब्रिज बनाया है। अब दोस्तों, कोई भी फंक्शन, अब मैं बात करूंगा फंक्शन की, अब एक्चुअल टॉपिक की बात करूंगा, कोई भी फंक्शन पता है कंटिन्यूअस कब नहीं होता है? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब नहीं होता है जब, पहली बात, कि F(X) डिफाइंड ही ना हो, F(X) इज नॉट डिफाइंड, F(X) इज नॉट डिफाइंड। ये हर एक चीज में आपको एग्जांपल से बाद में बताऊंगा, बट अभी समझो, कोई भी कंटिन्यू फंक्शन का आपको पता है इस पूरे टॉपिक का थीम क्या है? आपको फंक्शन दिया जाएगा वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, बस ये बताना है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा होगा, ये तीन चीजें छोड़कर, फंक्शन कंटिन्यूअस हमेशा होगा,
तीन बातें कौन सी छोड़कर, जो अभी मैंने लिखी थी कि यहाँ पे भी रोड पक्का बनेगी तीन बातें छोड़कर, सेम उसी तरह फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब ये एफ ऑफ एक्स डिफाइन ही नहीं हुई, मतलब मिस्टर वाई ब्रिज बना ही नहीं पाया, वाई को मैं इस ब्रिज को एफ ऑफ एक्स बोला है ना मैंने, तो मिस्टर वाई अगर ब्रिज बना ही नहीं पाया तो रोड कभी भी एक दूसरे को कनेक्ट होगी बिल्कुल नहीं, ठीक है। सेकंड सेकंड मैंने क्या बोला कि मिस्टर एक्स ने तो रोड बना लिया बट जेड नहीं बना पाया, या मिस्टर जेड ने तो रोड बना लिया बट एक्स नहीं बना पाया, मतलब एल ए चेल एंड आर ए चेल इक्वल नहीं हुए। इसी चीज को मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों इक्वल, मैंने बोला था भाई तू बराबर कंक्रीट का शानदार रोड बना और तू भी वैसी रोड बना, बट एक ने बना लिया एक नहीं, दूसरे ने बना लिया पहला नहीं, तो ये क्या हुआ, दोनों मैच नहीं हुए ना, नॉट इक्वल मतलब दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हुए, और इस वजह से इतना तो कंटिन्यूस हो गया बट ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि अभी भी सब गंदा सड़क है, या फिर इतना तो कंटिन्यूस हुआ ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि गंदा सड़क है, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल पाए नहीं। सो सेकंड चीज, एंड थर्ड चीज, एल एच एल आर एच एल बन गई, मतलब एल एच एल ने जबरदस्त रोड बना दिया मिस्टर एक्स ने, आर एच एस ने भी बना दिया और इतना बनाया कि दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, बट ये एफ ऑफ एक्स से मैच ही नहीं हुए, एफ ऑफ एक्स से मैच ही नहीं हुए, मतलब जो मैंने थर्ड वाली बात बोली कि इसने रोड बना लिया, इसने रोड बना लिया लेकिन एफ ऑफ एक्स को कनेक्ट ही नहीं कर पाए, तो भी कंटिन्यूटी ब्रेक। सो दोस्तों कोई भी फंक्शन तीन कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस होता है, एक तो उसका एफ ऑफ एक्स डिफाइन ही ना हो, एफ ऑफ एक्स डिफाइन कैसे नहीं होता है वो मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, डोंट वरी, अभी फिलहाल सिर्फ ये रूल याद रखो, फिर एक एक रूल में आपको विद एग्जांपल जस्टिफाई करके दूंगा। पहली बात कि एफ ऑफ एक्स डिफाइन ही ना हो, मतलब ये ब्रिज ही नहीं बन पाए, सड़क बना के करोगे क्या, ब्रिज ही नहीं बनी, ब्रिज यानी एफ ऑफ एक्स। दूसरी बात एल एच एल मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए लेफ्ट वाले रोड को मैंने एल एच एल बोला है, एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट, इसलिए राइट वाले रोड को मैंने आर एच एल बोला है। सो पहली बात कि ब्रिज नहीं बन पाया यानी एफ ऑफ एक्स डिफाइन ही ना हो, दूसरी बात एक रोड तो बन गया बट दूसरा उससे मैच नहीं हो रहा है, दूसरा तो बन गया बट पहला उससे मैच नहीं हो रहा है, यानी एल एच एल और आर एच एल एक दूसरे से इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। और तीसरी बात कि बन तो सब गए, एल एच और आर एच एल एकदम बढ़िया शानदार इक्वल बने लेकिन वो एफ ऑफ एक्स से कनेक्ट नहीं कर पाए, एफ ऑफ एक्स से कनेक्ट नहीं कर पाए, इन तीन चीजों में, इन तीन कंडीशन में फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, इन तीन कंडीशन में रास्ता नहीं बनेगा, ब्रिज नहीं बनेगा, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, इसी तरह ये तीन कंडीशन में फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, क्लियर। क्योंकि कोई भी फंक्शन, अब देखो समझो क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन आपको कुछ तो दे देगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज उसने एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स बोल दिया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो लिमिट, और आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी, उसने बोली है एट एक्स इज इक्वल टू टू, कंटिन्यूटी चेक किस पे करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू टू, तो आप क्या बोलते हो लिमिट एक्सटेंड्स टू टू। सबसे पहले तो मैं अब लिमिट की वो पुरानी बात याद कर दिलवाता हूँ कि फंक्शन में एक्स इज इक्वल टू टू मतलब एक्चुअल एक्स की वैल्यू टू ही रखनी है, ना टू से कम ना टू से ज्यादा, फंक्शन में एग्जैक्ट वैल्यू टू रखनी है, ठीक है। बट लिमिट में एक्स टेंस टू टू का मतलब क्या होता है, जिनको लिमिट टॉपिक याद होगा उनको पता होगा कि एक्स टेंस टू टू मतलब एक्स नेवर इक्वल टू टू, टू से बहुत ही थोड़े मार्जिन से कम या टू से बहुत ही थोड़े मार्जिन से ज्यादा, बट नेवर इक्वल टू टू, मतलब एक्स टेंस टू टू का मतलब क्या होता है, एक्स 1.9999999 होगा या फिर एक्स 2.00000001 होगा, लेकिन एग्जैक्ट टू नहीं, एग्जैक्ट टू नहीं, मतलब वो बहुत ही थोड़े मार्जिन से कम, उस थोड़े मार्जिन से कम को ही, यानी 1.9999 अगर है उसको बोला जाता है एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस, ये माइनस मतलब क्या इंडिकेट करता है, कम, टू से कम, टू से कम मतलब एक्स की वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है। और उसी तरह लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस, टू प्लस मतलब क्या, टू से माइनस यानी कम, तो टू प्लस यानी ज्यादा, ज्यादा यानी ये हो सकती है एक्स की वैल्यू टू पॉइंट हल्के मार्जिन से ज्यादा, 2.00001, ठीक है। तो क्या हो गया ये आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, मतलब दो अगर ये है तो इधर क्या होती है उसके छोटी वैल्यू होती है ना, लेफ्ट में हमेशा दो के, अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस देख लो, कोई भी नंबर लाइन देख लो, टू यहाँ पे है तो उसके इधर हमेशा उससे छोटी वैल्यू है ना, और इसके इधर हमेशा क्या है, बड़ी वैल्यू है,
तो राइट में बड़ी वैल्यू है इसलिए आरएचएल, बड़ी वैल्यू के लिए आप आरएचएल बोलोगे, लेफ्ट में छोटी है इसलिए छोटी वैल्यू के लिए एलएचएल बोलोगे। तो ये तीन चीजें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स है और आपको बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टू, एट एक्स इज इक्वल टू टू, तो आपको क्या करना होगा, पहले इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालनी होगी। फंक्शनल वैल्यू यानी ये मुझे बताओ इसमें फंक्शनल वैल्यू पॉसिबल है, मिलेगी आपको? यस, अगर मैं यहाँ पे टू रखू, टू स्क्वायर फोर, थ्री इंटू टू सिक्स, फोर प्लस सिक्स टेन, मतलब मुझे फंक्शनल वैल्यू क्या मिल रही है, टेन, और टेन एक वैलिड आंसर है ना, टेन वैलिड आंसर है, बिल्कुल है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सो एफ ऑफ एक्स डिफाइंड कैसे होता है ये आपको समझ में आया, एल एच एल क्या होता है, आर एच एल क्या होता है, ये समझ में आया कि जिस पे भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है उससे थोड़ा सा कम यानी एल एच एस, थोड़ा सा ज्यादा यानी आर एच एस, ठीक है। और एग्जैक्ट एक्स इज इक्वल टू टू रख के आप जो निकालते हो वो एफ ऑफ एक्स होता है, फंक्शनल वैल्यू। और फंक्शनल वैल्यू अगर आपको इन्फिनिटी नहीं मिल रही है वगैरह, ठीक है, तो वो डिफाइंड, तो वो डिफाइंड है। जैसे कि यहाँ पे आपको आंसर क्या मिला, एक्स की वैल्यू टू रख के टेन, मतलब पहली कंडीशन तो डिफाइन हो रही है, क्लियर। एल एच एल आर एच एल समझ गया, डिफाइंड मतलब क्या होना है वो समझ गया, और क्या चीजें बची है। हाँ, अब ये तीनों कंडीशन फेल कैसे होगी वो आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, लेकिन अब तक भाई क्लियर है सबने, अब तक सब क्लियर है। इस एग्जाम्पल को पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में दिमाग में रखो। अब मैं जब मिस्टर एक्स का बनाया हुआ रोड बोलूंगा तो आपके दिमाग में एल एच एल आना चाहिए, मिस्टर जेड का बनाया हुआ रोड आर एच एल, और जब ब्रिज बोलूंगा तो एफ ऑफ एक्स। और डिसकंटिन्यूटी कब कब होती है, जब ये ब्रिज बने ही ना, यानी एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, जब ये दोनों रोड में से कोई एक ही बने और दूसरा ना बने, यानी दोनों लिमिट एक दूसरे से मैच ना हो, यानी एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, एंड तीसरी बात कि रोड भी बन जाए, ब्रिज भी बन जाए, बट एक दूसरे से वो कनेक्ट ही ना हो। ब्रिज भी बन गया यानी एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, रोड भी बन गए दोनों यानी एल एच एल आर एच एल इक्वल है, लेकिन ये इस ब्रिज से कनेक्ट नहीं कर पाए, यानी वो फंक्शन जो है फंक्शनल वैल्यू उससे इक्वल नहीं हुए, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, और ये है फंक्शनल वैल्यू, यानी ये लिमिट वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं है, तो फिर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और अब ये तीनों चीजें मैं आपको विद एग्जाम्पल बता रहा हूँ, विद एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन अब तक आपको सिर्फ मुझे बताओ एल एच एल समझ गया ना, एल एच एल यानी जिस वैल्यू की बात हो रही है एक्स इज इक्वल टू टू या थ्री जो भी है उससे हल्की सी कम, आर एच एल यानी उससे हल्की सी ज्यादा, एंड एग्जैक्ट इक्वल टू मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्लियर गाइज। सो मुझे फटाफट आप जिनका कमेंट आ रहा है कमेंट में बोलो, जिनका नहीं आ रहा है व्हाट्सएप पे बोलो। यस यस, लिमिट के फॉर्मूला यूज होंगे अजय, यूज होंगे, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना यार, लिमिट पहले देखते चलो, नो डाउट। गुड वरुण, ओके ओके, गुड जतिन, ठीक है चलो, ओके नितेश, चलो गाइस। सो क्लियर, ओके। सो अब देखो मैं आपको विथ एग्जांपल तीनों चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ये आजकल, ओ यार शिट 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 शिट, अरे एक सेकंड यार, एक कैमरा हिल गया। जस्ट अ सेकंड गाइस, यार ये कैमरा थोड़ा सा, एक सेकंड दो मुझे। बड़ी मेहनत है यार ट्राईपॉड को एडजस्ट करना, लेक्चर के पहले 2 मिनट उसको एडजस्ट करने में लग जाते हैं। हाँ जी, माइक उसमें फंस गया और सब सेटिंग बिगड़ गई। चलो थोड़ा वो तो ठीक हुआ है। हाँ ठीक है। सो दोस्तों अब तक आपको क्लियर है सब चीजें, अब मैं एक एक चीज आपको बता दूं कि ये कैसे तीनों चीजें फेल हो सकती है विद प्रॉपर फंक्शन के एग्जाम्पल के साथ। ध्यान देना, ध्यान देना,
इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, चलो फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल देखो, f(x) = x स्क्वायर व्हेन x is less than 0, इट इज इक्वल टू 1/x व्हेन x = 0, एंड इट इज इक्वल टू x व्हेन x is greater than 0. ठीक है, तीन चीजें हमेशा समझो, लेस देन जीरो, इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, या फिर जीरो जरूरी नहीं है, ये जीरो की जगह वन 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 भी आ सकता है, टू टू टू, आठ आठ आठ, नौ नौ नौ, थ्री थ्री थ्री, माइनस थ्री थ्री थ्री, माइनस टू टू टू, कुछ भी आ सकता है. बट ये तीन साइन को समझो, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन. पता है ये लेस देन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी? एल एच एल को. आपको यहाँ पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. जिस भी वैल्यू पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना होगा ना, हमेशा आपको उसी के फॉर्म में लेस देन ग्रेटर देन दिया जाएगा. अगर x इज इक्वल टू वन के फॉर्म में करना हो, जहां x 0 से छोटा है, ये दिमाग में फिट करो. आज का लेक्चर आपको बहुत ही स्लो लगे, लेकिन यही आज का लेक्चर आपको आगे हेल्प करने वाला है, इसलिए आज का स्लो होने दो. LHL मतलब ऐसा फंक्शन जहां पे x की वैल्यू 0 से कम है. RHL मतलब ऐसा फंक्शन जहां x की वैल्यू 0 से ज्यादा है. सो 0 से कम वाला ये फंक्शन है, तो तुरंत ये फंक्शन लिखो, तुरंत ये फंक्शन लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जहां x की वैल्यू 0 से कम है, क्या है? x square. और आपने देखो लिमिट टॉपिक तो पढ़ा है, लिमिट टॉपिक में आपको पता है कि x tends to 0 भला ही बोलते हैं, मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं, 0 से थोड़ा कम या ज्यादा, लेकिन हम रखते समय जब भी रखना होता है x की वैल्यू हम 0 ही रखते हैं. ये लिमिट टॉपिक का कंसेप्ट, इसलिए मैंने कहा लिमिट का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट काम आएगा. तो लिमिट का कंसेप्ट आपको क्या बोलता है कि x की वैल्यूज आपको 0 ही रखनी है. हालांकि x tends to 0 का मतलब होता है कि जीरो से बहुत क्लोज बट एग्जैक्ट जीरो नहीं. तो बहुत क्लोज को हम नियरली इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं ना. तो देखो यहाँ जीरो स्क्वायर आप रख दोगे तो क्या मिला आपको? जीरो. यानी LHL आपको मिला जीरो. RHL आप किसको बोलोगे? ऐसे फंक्शन को जहां x की वैल्यू जीरो से ज्यादा है. तो x की वैल्यू जीरो से ज्यादा कहाँ पे? यहाँ पे. तो ये फंक्शन, देखो तीन फंक्शन है आपके पास, एक ये, एक ये, एक ये. बट LHL पक्का, LHL के लिए f(x) वो लो जहां x की वैल्यू 0 से कम है. RHL के लिए f(x) वो लो जहां x की वैल्यू 0 से ज्यादा है. ठीक है, और f(x) एग्जैक्ट वो लो जहां x की वैल्यू 0 है. ठीक है, सो चलो यहां मैंने लिखी दिया, ये LHL का फंक्शन है, ये RHL का फंक्शन है. सो 0 प्लस बोलते हो आप RHL को, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) कितना है? x. अगेन आपको पता है x की वैल्यू आप 0 ही रखते हो. सो 0 रख दिया, 0 मिला. तो मतलब देखो 0 बन गया LHL, 0 बन गया RHL, यानी दोनों इक्वल हुए. मतलब सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई, मिस्टर x ने भी रोड बना लिया, मिस्टर y ने भी रोड बना लिया, बराबर रोड बन गया है. सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई है. सेकंड कंडीशन कब फेल होती? जब ये दोनों सेम नहीं होते. लेकिन देखो मेरा LHL भी कितना आया? 0.
आरएचएल भी कितना आया, जीरो, अलग अलग फंक्शन रखने के बावजूद। एलएचएल एक्स स्क्वायर था, आरएचएल एक्स था, फिर भी आंसर दोनों का सेम आया, मतलब दोनों ने रोड बना लिया। अब बात आई एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स क्या है भाई मेरा, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स उसको बोलोगे जहां एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट जीरो, यानी वन बाय एक्स। और एफ ऑफ एक्स में हम क्या करते हैं, जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो रखेंगे। सो एक्स की वैल्यू जीरो रखनी हमें, सो वन बाय जीरो। अरे यार ये तो सर अनर्थ हो गया, डिनोमिनेटर में जीरो तो कभी नहीं आता है, डिनोमिनेटर में जीरो आना यानी नॉट डिफाइंड, बराबर। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड है। यस, मतलब एक्स और जेड ने तो बराबर रोड बना लिया, इक्वल रोड बना लिया, लेकिन वाई ब्रिज बना ही नहीं पाया। ये हुआ फर्स्ट रीजन डिसकंटिन्यूटी का। यानी डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब आपका एफ ऑफ एक्स ही डिफाइंड ना मिले। एफ ऑफ एक्स उसने ऐसा दे दिया जहां मैं एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखू तो आंसर मुझे क्या मिले, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। सो आप बोलोगे हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। आप क्या बोलोगे, एज एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये तीन चीजें समझ जाओ, उसके बाद पूरे टॉपिक में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो पहली चीज तो आप समझ गए कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होता है, जब LHL बन जाए, RHL बन जाए, दोनों इक्वल भी आ जाए, बट साला ब्रिज ही ना बने। सॉरी साला वर्ड थोड़ा जोश में यूज हो गया, ठीक है, बट इसको आप पॉजिटिव ले लो, तो ब्रिज ही ना बने, ठीक है। तो ब्रिज तो बना ही नहीं ना, ब्रिज मतलब एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स डिफाइन ही नहीं हुआ। सो यस, दिस इज द फर्स्ट रीजन बिहाइंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन। सो हेंस यू कैन से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तीनों में से एक भी कंडीशन फेल तो फिर वो डिसकंटिन्यूस है। आप बोलोगे सर अगर ये सेटिस्फाई हुआ, ये हुआ, बट ये नहीं हुआ तो चलेगा, मेजोरिटी विंस, दो तो हो गए, एक नहीं हुआ तो क्या हो रहा है। नहीं, तीनों में से एक भी फेल तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो ये लिखो, पहला एग्जांपल लिख लो फटाफट, यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर एज एफ ऑफ एक्स, इसका रीजन क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड at x is equal to 0, therefore function is discontinuous at x is equal to 0. ये limit की बातें तो आपने 11th में सीखी है, नहीं भी अगर याद होगा तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, YouTube पे मेरे videos देखो, limit में आप कुछ नहीं करते हो, limit में भी आपको पता है वो properties की बातें तो ठीक है, देखेंगे बाद में। Shit man, क्या हो रहा है यार, आज गाइस यार, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा बेयर करो। चलो ट्राईपॉड का कुछ प्रॉब्लम हुआ है यार, इतना बार बार नहीं गिरता है, नहीं तो देखना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट तो आपको समझ गया कि एफ ऑफ एक्स डिफाइंड कब नहीं होता है, जब इस तरह डिनोमिनेटर जीरो आ जाता है, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। और जब एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं है तो आप बोल दोगे डिसकंटिन्यूटी। चलो सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं इसी तरह, सेकंड एग्जांपल देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1 सॉरी एट एक्स इज लेस देन 1, f of x is equal to 4 at x is equal to 1 and f of x is equal to 2x+1 at x is greater than 1, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे 3 ले लो। अब अगेन LHL सब वही चीजें देखेंगे हम, LHL मतलब क्या होती है। हाँ, अब यहाँ पे डेफिनेटली आपको पूरा क्वेश्चन किसके फॉर्म में, लेस देन 1 इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1, तो आपको कंटिन्यूटी किस पे चेक करना होगा, एट 1 पे। सो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। डिस्कस करना मतलब वही बताना है या नहीं है कंटिन्यूस। तो अगेन आपको पता है ऐसा फंक्शन तीन है, बट उसमें से एक LHL होगा, एक RHL होगा, एक एफ ऑफ एक्स होगा। तो LHL आप किसको बोलोगे, ऐसा फंक्शन जहां x की वैल्यू 1 से कम है, तो x की वैल्यू 1 से कम यानी ये हुआ LHL। ऐसी वैल्यू जहां ऐसा फंक्शन जहां x की वैल्यू ज्यादा है वो हुआ RHL, और ऐसा फंक्शन जहां x की वैल्यू इक्वल टू 1 है ये हुआ f ऑफ x।
ठीक है, मतलब इस बार तो देखो एफ ऑफ एक्स आपको उसने डायरेक्ट वैल्यू ही दे दी है 3, और 3 इज वैलिड आंसर, मतलब एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है। बट चलो एफ ऑफ एक्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले एल एच एल। एल एच एल एट एक्स टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस यानी ऐसा फंक्शन जहाँ 1 से कम है, तो 1 से कम या क्या है 2x-1। लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, ये 1 माइनस का मीनिंग कतई ऐसा नहीं है कि -1, ठीक है, ये माइनस मतलब सिर्फ एक सिंबल है जो आपको बोलता है कि आपको एक्स की वैल्यू ऐसी लेनी है जो 1 से छोटी है। भाई ये सबको दिख तो रहा है ना, कोई डाउट नहीं ना भाई अब तक? क्लियर क्लियर, ओके 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 गुड। श्रुति आई डोंट थिंक कि मेरा नेट कनेक्टिविटी इशू है, शायद आपका नेट कनेक्टिविटी इशू होगा श्रुति। चलो सो 2x-1, सो देख लो एक्स की जगह हम 1 रखेंगे नाम के लिए, ये लिमिट मतलब, बाकी एक्स टेंस टू 1 यानी एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं, लेकिन जब भी लिमिट टॉपिक हमें क्या सिखाता है कि जब भी एक्चुअल एक्स की वैल्यू रखना है तो आप 1 ही रखोगे, यानी 2 × 1 -1। सो क्या आंसर आया 1। आर एच एल, आर एच एल यानी ऐसा फंक्शन, और वो भी एक्स टेंस टू 1+, तो ऐसा फंक्शन जहाँ 1 से ज्यादा है, 1+ यानी 1 से ज्यादा, यानी ये 2x। सो लिमिट एक्स टेंस टू 1+ 2x+1, अगेन लिमिट आपको वही बोलता है कि एक्स की वैल्यू 1 ही रखो, भले ही एक नहीं होता है एक्स लेकिन एकदम क्लोज होता है ना, सो 1 ही रखो, तो ये आपको मिला 3। अरे बाप रे सर, दोनों ने सेम रोड ही नहीं बनाई, एक ने रोड बनाई कॉन्क्रीट की, एक ने बनाई मिट्टी की, बराबर, यानी दोनों की रोड मैच ही नहीं कर रही है। सो दोनों की रोड मैच नहीं कर रही है मतलब एल एच एल और आर एच एल, इसके पहले देखो आपने एक एग्जाम्पल देखा था जहाँ एल एच एल भी 0 आया था, आर एच एल भी 0 आया था, बट एफ ऑफ एक्स डिफाइंड नहीं था इसलिए वो डिसकंटिन्यूस था। इस बार आप देखो एफ ऑफ एक्स तो डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। सो वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 कितना है, 3 है। जब एग्जैक्ट इक्वल टू 1 है तो फंक्शन वैल्यू क्या है, 3 है इस बार, सीधा 3, ठीक है, तो 3 तो वैलिड है ना, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, नहीं तो 3 तो वैलिड है, तो फंक्शन डिफाइन यानी ब्रिज तो बन गया है, याद करो वो एग्जांपल, फंक्शन डिफाइन यानी ब्रिज बन गया है, लेकिन ये रीजन क्या था कि लेफ्ट का रास्ता और राइट का रास्ता इक्वल ना हो, यानी लेफ्ट का रास्ता तो बन जाए राइट का बने ही नहीं, राइट का बन जाए तो लेफ्ट का बने ही नहीं, और ये चीज होती है सेकंड कंडीशन जहां एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं होते। इसके पहले वाले एग्जांपल में एरेचर आरएचएल इक्वल थे बट फंक्शन डिफाइन नहीं था यानी ब्रिज ही नहीं बना था, इस बार फंक्शन डिफाइंड है यानी ब्रिज बन गया, लेकिन एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं है, सो बस आप बोलोगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 बिकॉज एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल। सो दिस इज सेकंड रीजन माय फ्रेंड जहां पे फंक्शन को आप दावे के साथ डिसकंटिन्यूस बोल सकते हो, जहां पे एलएचएल और आरएचएल दिए हैं और वो दोनों मैच ही नहीं होते, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं होते, सो दिस इज अगेन अ सेकंड रीजन। फिर वहां फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं वो ना भी चेक करो तो चलेगा, चेक किया तो भी हार्डली एक स्टेप लगता है, बट ना भी चेक करो तो भी चलेगा, जहां पे एलएचएल और आरएचएल ही इक्वल नहीं है वो डिसकंटिन्यूस है। गाइस क्लियर है? फटाफट फटाफट अपना टाइम लो और मुझे कमेंट करो। क्लियर क्लियर, गुड गुड नितेश, ओके गुड जतिन। +4 व्हेन एक्स इज लेस देन 2, x³ व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2, एंड x² + 9 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो चलो गाइज लेट्स स्टार्ट अगेन, आपको डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि आपको कंटिन्यूटी किस पे चेक करना है, 2 पे जो दिया है, सो डिस्कस द फंक्शन का कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। नाउ सबसे पहले स्टार्ट एलएचएल, एलएचएल मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 2-, यानी ऐसा फंक्शन जहां एक्स की वैल्यू 2 से कम है, ये हुआ एलएचएल।
ऐसा फंक्शन जहाँ एक्स की वैल्यू टू से ज्यादा है, ये हुआ आर एच एल, और ऐसा फंक्शन जहाँ एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट टू है, ये हुआ एफ ऑफ एक्स। ब्रीच मिस्टर एक्स का रोड मिस्टर वाई का रोड, ठीक है। नाउ एफ ऑफ एक्स, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू, ऐसा फंक्शन जहाँ टू से कम है, मतलब टू एक्स प्लस फोर, और फिर से फॉर्मेलिटी लिमिट आपको क्या बोलता है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू रखो, तो टू इंटू टू फोर प्लस फोर एट, देन आर एच एल गाइज, टू प्लस एफ ऑफ एक्स, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू टू प्लस ऐसा फंक्शन जहाँ एक्स की वैल्यू टू से ज़्यादा है, यानी एक्स क्यूब, सो टू क्यूब मतलब कितना हुआ एट, ठीक है। एंड देखो सबसे पहली तो देखो सेकंड कंडीशन, यानी मिस्टर एक्स ने और मिस्टर वाई ने रोड बना ली एज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल भी एट आर एच एल भी एट, मतलब दोनों ने रोड बना ली और एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास सेम बनाई। नाउ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड है कि नहीं, पहले चेक करो, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, सो एक्स की वैल्यू क्या है टू, एफ ऑफ एक्स वही रखोगे ना आप, जहां पे एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट टू है ना, छोटी ना बड़ी, एग्जैक्ट टू, सो टू स्क्वायर फोर प्लस नाइन थर्टीन, थर्टीन वैलिड आंसर है, यस, मतलब एफ ऑफ एक्स डिफाइन भी है, मतलब मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड की एकदम बढ़िया रोड बन गई है, वाई ने भी एकदम बढ़िया ब्रिज बना लिया है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन मतलब ब्रिज बढ़िया बन गया है। लेकिन थर्ड कंडीशन आपको क्या बोलती है कि एल एच एल और आर एच एल तो इक्वल हुई, बट ये ब्रिज से कनेक्ट ही नहीं हो पाई, रोड तो बन गए लेकिन ब्रिज से कनेक्ट ही नहीं हो पाया, तो रोड का क्या फायदा, ब्रिज का क्या फायदा, लोग तो जैसे कि वैसे अटक गए फिर से, ठीक है। सो कंटिन्यूटी मिली आपको, नहीं मिली, एल एच एल आर एच एल सेम थे बट फंक्शन भी डिफाइंड था, यानी ब्रिज भी बन गया था बट एक दूसरे को कनेक्ट ही नहीं कर पाए, यानी मैंने क्या बोला था, इसको क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट वैल्यू, और इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू। एफ ऑफ एक्स को हमेशा फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं, और लिमिट जहाँ पे हम लिमिट यूज करते हैं उनको लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, सो फंक्शनल वैल्यू साइंटिफिक लैंग्वेज में ये दोनों इक्वल नहीं है, एंड दिस इज द थर्ड रीजन वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सो दिस इज द थर्ड एंड लास्ट रीजन वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और इसलिए आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू बिकॉज लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। एल एच एल आर एच एल इक्वल है, बढ़िया, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है, बढ़िया, मतलब रोड बन गए, ब्रिज बन गया, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, मेन आखिरी काम वही था ना, सब तो बना के रख दिया था, अब कनेक्ट करना था बस, वही नहीं हुआ, तो कनेक्ट ही नहीं हुआ तो कंटिन्यूटी गई, ठीक है। सो हेंस फंक्शनल एंड लिमिटिंग वैल्यू नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू। गाइज क्लियर है, ठीक है। सो लिखो ये थर्ड एग्जाम्पल, और फिर अब हम फोर्थ एग्जाम्पल लिखेंगे जहाँ गुड न्यूज हम देंगे, खुशखबर देंगे, जहाँ पे रोड एकदम बढ़िया से बनाएंगे, कंटिन्यूटी बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे, गांव के लोग भी खुश। अब तक आपने तीन एग्जाम्पल ऐसे देखे जहां पे चीजें फेल हुई, कभी कभी फंक्शन डिफाइंड नहीं था, कभी फंक्शन डिफाइंड था तो एल एच एल आर एच एल मैच नहीं हुआ, कभी कभी जैसे थर्ड एग्जाम्पल में एल एच एल आर एच एल मैच भी हुआ, फंक्शन डिफाइन भी हुआ, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए, फंक्शन को और लिमिट वैल्यू को कनेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। सो ये था आपका थर्ड एग्जाम्पल, और चलो स्टार्ट करते हैं विथ फोर्थ एग्जाम्पल फटाफट, जिसने आज का लेक्चर सही कर लिया, समझ लिया, अब कंटिन्यूटी उसके लिए बच्चा है, सिर्फ इतना थोड़ा बहुत जो लिमिट के प्रॉपर्टीज यूज होंगी वो तो होगी, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन खुद भी देख लो तो और अच्छा है, 11th क्लास का। चलो एफ ऑफ एक्स फिर से 2x-1, ठीक है, नाउ एक्स प्लस 3 एंड 7, एक्स इज लेस देन 4, एक्स इज ग्रेटर देन 4, एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। जहां लेस देन 4 इसको आप बोलोगे एल एच एल, ग्रेटर देन 4 को बोलोगे आर एच एल, इक्वल टू 4 को बोलोगे एफ ऑफ एक्स। सो देख लो सबसे पहले एल एच एल क्या है, या फिर एफ ऑफ एक्स देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स इज 7, मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 रखूँ, एक्स की वैल्यू 4 रखूँ तो
ये तो कांस्टेंट फंक्शन है ना। डायरेक्ट 7 ही दे दिया आपको, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं 4 भी रखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स ही नहीं है। एक्स की वैल्यू 4 रखा तो भी आंसर 7 मिलेगा, एक्स की वैल्यू 9 रखा तो भी आंसर 7 मिलेगा, क्योंकि फंक्शन में एक्स है ही नहीं ना। अगर यहाँ 7x होता तो फिर मैं एक्स की जगह 4 रखता, है ना। 9 अगर रखना होता तो एक्स की जगह 9 रखता, बट यहाँ एक्स है ही नहीं, तो आप कुछ भी रखो फंक्शन तो आपको 7 ही मिलेगा। और उसने क्लियर बोल ही दिया है कि फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 4 इज 7। तो फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 4 इज व्हाट? 7। इट इज डिफाइंड। बट 7 क्या वैलिड आंसर है ना? 7 क्या है? वैलिड आंसर है, सो इट इज डिफाइंड। नाउ सेकंड, LHL। LHL होगा एक्स टेंस टू 4 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी ऐसा फंक्शन जहाँ एक्स की वैल्यू 4 से कम है, 2x-1, जहाँ जहाँ एक्स से वहाँ 4 ही रखना है, 2 × 4 8-1 7। एंड RHL, ऐसा फंक्शन जहाँ एक्स की वैल्यू 4 से ज़्यादा है, सो लिमिट एक्स टेंस टू 4, 4 से ज़्यादा यानी x+3, फिर से एक्स की जगह 4, 4+3 7। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि LHL और RHL भी मुझे क्या मिला? इक्वल मिला। मतलब भाई मिस्टर वाई ने ब्रिज भी बना ली, एक्स और जेड ने दोनों रोड भी बना ली है। और अब अगर मैं देखूं कि LHL, RHL थर्ड कंडीशन एंड फंक्शनल वैल्यू क्या सेम है? यस, 7 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। इट मीन्स लिमिट वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। मतलब इस बार सिर्फ बने नहीं है रोड और ब्रिज, कनेक्ट भी हुए हैं। और अब आप दावे के साथ कॉन्फिडेंस से डंके की चोट पे बोल सकते हो, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 4। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 4 एज, क्या बोलोगे आप? एज लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 4। लिख लो फटाफट और मुझे फटाफट गुड न्यूज़ दो कि सर क्लियर है, और डाउट भी है तो बताओ बिंदास। गुड जतिन, नाइस, गुड 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 वरुण। कोई भी डाउट है पूछो, हिचकिचाहट नहीं करना है। नितेश आप बता दो, मोहम्मद एजाज आप बताओ। अजय, अजय का गायब हो गया, कोई डाउट है? सो मोहम्मद एजाज, अजय, श्रुति, हितांशी, बताओ फटाफट, कोई भी डाउट है? नीतीश कुमार, ठीक है। सो गाइस, ये था बेसिकली कंटिन्यूटी का कंसेप्ट, जो मैंने आपको जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है कि कोई भी फंक्शन, ये पूरा टॉपिक का थीम क्या, एक बार फिर से सुन लो, पूरा टॉपिक का थीम है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस एट पर्टिकुलर गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। सो उसका बस 3 रूल है। पहली बात तो फंक्शनल वैल्यूज की डिफाइंड होनी। फंक्शनल वैल्यू मतलब क्या? जहाँ पे एक्स एग्जैक्ट इक्वल टू वो वैल्यू दी है, फिर वो 2 हो 3 हो 4 हो जो भी हो, उसको फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं, वो डिफाइंड चाहिए। देन लिमिट में दोनों जो है LHL RHL दोनों इक्वल चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट जहाँ एक्स की वैल्यू उस वैल्यू से कम होती है, और RHL जहाँ एक्स की वैल्यू उस वैल्यू से ज़्यादा होती है, दोनों इक्वल चाहिए। और दोनों इक्वल भी बन गए और एफ ऑफ एक्स डिफाइंड भी हो गया, तो तीसरी और सबसे अहम इंपॉर्टेंट कंडीशन कि वो तीनों इक्वल चाहिए, यानी LHL और RHL तो इक्वल हम पहले ही देख लेते हैं, और जो फंक्शनल वैल्यू आपकी आई है वो बिल्कुल इससे मैच होनी चाहिए। यानी ये LHL RHL की इक्वल वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग वैल्यू। और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को फंक्शनल वैल्यू, वो दोनों सेम चाहिए। अगर ये तीनों पड़ाव से वो फंक्शन पार हो गया
ये तीनों पड़ाव को उसने पार कर दिया तो वो फिर अब हकदार है कंटिन्यूस कहलाने का। इन तीनों में से एक भी फेल हुआ, फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ, वो कैसे होता है आपने देखा, LHL RHL इक्वल नहीं हुए वो भी आपने देखा, और कभी कभार फंक्शन डिफाइंड होकर LHL RHL इक्वल होके भी वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हुए, फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू, वो भी आपने देखा। तो तीनों में से एक भी कंडीशन फेल तो वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और बाकी लिमिट का कंसेप्ट तो आपको पता है, थोड़ा सा वो यूज हो ही रहा है हर जगह। तो x टेंस टू समथिंग मतलब वो समथिंग जो भी वैल्यू सीधा वहां पे रख देना होता है। लिमिट का मेन मतलब क्या होता है कि एग्जैक्ट इक्वल नहीं, एग्जैक्ट इक्वल नहीं, हाँ उससे थोड़ी कम जिसको हम माइनस बोल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर थोड़ी ज्यादा जिसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ी ज्यादा RHL थोड़ी कम LHL, बट रखते समय हम एग्जैक्ट 4 ही रखते हैं क्योंकि वो हल्का सा कम या ज्यादा है ना, यानी नियरली इक्वल टू 4, ठीक है। सो लिमिट्स टॉपिक बना था ऐसे फंक्शन को सुधारने के लिए जो नॉट डिफाइंड होते हैं। अब कंटिन्यूटी क्यों बना है, चीजों को स्मूथ बनाने के लिए, दिए हुए फंक्शन को स्मूथ बनाने के लिए, या फिर ये दिखाने के लिए कि वो स्मूथ कहाँ पर है कहाँ नहीं है, ठीक है। सो जहाँ वो स्मूथ नहीं है वहां और कुछ हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, वो सब चीजें आप देखोगे धीरे धीरे, बट बेसिक आपको क्लियर आया हो। और अब इससे रिलेटेड एक्चुअल क्वेश्चंस वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट आज का लेक्चर अगर क्लियर है ना आपको थ्रू आउट द कंटिन्यूटी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, कभी कभार LHL और फंक्शनल वैल्यू साथ में दे देगा क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ पे हर बार तीनों अलग 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 दे रहा हूँ क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब कल आप ऐसे क्वेश्चन कुछ देख सकते हो जहाँ LHL और फंक्शन वैल्यू साथ में है, RHL अलग दिया है, या RHL फंक्शनल वैल्यू साथ में है, LHL अलग दिया है, ठीक है। कभी कभी फंक्शनल वैल्यू अलग से दिए है बट LHL और RHL साथ में दे दिए हैं, तो वो जस्ट क्वेश्चन की वराइटी है, बाकी कंसेप्ट वाइज इस टॉपिक में अब और कुछ नहीं, ठीक है गाइस। सो आई होप आप क्लियर हो, एक बार फिर से रिवाइज करो, कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछो, मैं ऐप अपडेट कर लेता हूँ आज। सो ऐप अपडेट होने के बाद फिर आपको वो जो आज प्रॉब्लम हुआ कि आपकी चार्ट मेरे तक नहीं आ रही है, कमेंट मेरे तक नहीं आ रहा है, वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हैंड रेज का ऑप्शन ओपन हो गया है, बट हैंड रेज में टीम ने बहुत ट्राई किया, तो एक ने अगर डाउट पूछा तो उसकी आवाज़ सबको जाएगी ही। सो कल से हम वो भी एक्टिव करेंगे, किसी को अगर ओरली डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो, लेकिन वो आवाज़ सब तक जाएगी, बाद में ऑफिस में जैसे क्लोज करूंगा फिर वो आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देंगी, ठीक है। और बाकी रही बात तो फिर तो सब क्लियर है, बाकी जस्ट नोट्स तो मैं जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा, अभी तो सिर्फ मैं टॉपिक वाइज वर्कशीट आपको देते चल रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द उन जितने टॉपिक अपने हुए हैं उनकी डिटेल नोट्स भी हैंड रिटन मैं अपलोड करना शुरू करूंगा उसी कोर्स में जिसका एक्सेस आपको दिया है, ठीक है गाइज। सो बाय, गुड डे, टेक केयर, रिवाइज करो। नितेश कौन सा रिपीट करने बोल रहे हो आप, मैंने तो वापस हर चीजें रिपीट कर दी है, सो क्लियर है या एक बार फिर से रिपीट करना, और ये लेक्चर ऑटोमेटिक देखो ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, जैसे श्रुति का नेट का प्रॉब्लम हुआ था या किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी रीजन से अगर बीच में से आपका लेक्चर डिसकंटिन्यू हुआ होगा, हालांकि टॉपिक का नाम कंटिन्यूटी है तो डिसकंटिन्यू मत रहो, बट हुआ अगर होगा आपका कोई भी रीजन से कंटिन्यूटी ब्रेक, तो ये लेक्चर अपलोड होगा फिर से देख लो। हाँ नितेश क्लियर है ना, ओके गुड। तो चलो वा गाइज, बेसिकली ये सब चीजें कल हम एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ देखेंगे, बाय बाय। अच्छा उस समय पूछे थे, ठीक है नितेश।